भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। पुराने जमाने की बात है, एक राजा ने दूसरे राजा के पास एक पत्र भेजा और एक छोटी सी बोतल, उसमें सूरमा देखकर उस पत्रवाहक को भेजा। उस राजा को, दूसरे राजा को जाके वो जो पत्र दिया गया, तो उस राजा ने उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र में लिखा था कि ये जो सुरमा है इतना अच्छा है कि सुरमा को अगर अंधे की आंख में भी लगा दिया जाए तो उसको रोशनी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बात यही है कि सिर्फ दो ही आंखों के लायक इसमें सुरमा है, दो ही आंख जो है ठीक हो सकती है, तो तुम सोच समझ के इसको किसी को देना। अब राजा के राज्य में अंधे बहुत थे। अब राजा सोचता था मैं एक दो आंख से ठीक होएंगी, मैं किस किस को जिसको नहीं दूं वो ठीक नहीं। राजा का तो काम है पूरी प्रजा को पुत्रवत पालन करे। सच्चा राजा वही है जो किसी में भेद नहीं करता है, सबको बराबर देखता है, वो राजा है। ये पुराने जमाने की बात है, आजकल की बात नहीं कर रहे हम। आजकल राजा होते ही कहाँ हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राजा के राज्य में एक बहुत वयोवृद्ध मंत्री थे और बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी दोनों आंखें चली गई थी, इसलिए मंत्री ने रिटायरमेंट समय से पहले ले लिया कि मेरी जगह पर किसी और को रखो, अंधा होने के नाते मैं उतना काम नहीं कर पाता हूं जितना आपको चाहिए, तो वो रिटायरमेंट ले गए। तो राजा को लगा वो मंत्री इस राज्य के काम के हैं, इसलिए ये सुरमा मैं उन्हीं मंत्री को देता हूं। तो राजा स्वयं उस सुरमा को लेकर मंत्री के पास में पहुंचे और मंत्री से कहा, ये जो सुरमा है ये आप अपनी आंखों में लगा लीजिए, आपकी गई हुई दोनों आंख वापस आएंगी, लेकिन याद इतना रहे सिर्फ दो ही आंख में लगने लायक सुरमा है, इतना याद रखें। मंत्री ने कहा मैं वृद्ध हो गया हूं, किसी और को दो आंख दे दीजिए। बोले नहीं नहीं आप लगाइए, मुझे लगता है आपने राज्य की बहुत सेवा की है, आपको ज्योति की आवश्यकता है, प्रकाश की आपको आवश्यकता है। ठीक, मंत्री ने थोड़ा सा सुरमा लिया, अपनी एक आंख में लगाया, अब एक आंख का सुरमा और बाकी है। उसने वो दूसरी आंख में लगाने की बजाय वो जो सुरमा था वो अपनी जीभ पे रखा और वो सुरमा समाप्त हो गया। राजा बोले ये क्या किया आपने, ये खाने की चीज थोड़ी थी, ये तो नेत्रों को ठीक करने का भी सुरमा था, अब आपकी सिर्फ एक ही आंख रहेगी, एक आंख नहीं रहेगी। अगर दोनों नयनों में लगा लेते तो आपके दोनों नयन, दोनों नेत्र ठीक हो जाते, अब तो एक ही नेत्र आपका ठीक होगा। मंत्री ने कहा महाराज चिंता मत कीजिए, मेरे दोनों नेत्र ठीक होंगे। कैसे, इसमें तो सुरमा खत्म समाप्त हो गया, अब दूसरा नेत्र कहां से ठीक करोगे। बोले चिंता मत करो, अब इस राज्य में कोई अंधा रहेगा ही नहीं। पर कैसे, बोले एक नेत्र में मैंने सुरमा लगाया उससे मुझे ज्योति मिल गई, और मैंने दूसरे नेत्र के सुरमे को अपनी जीभ पे रखा तो मैंने पता किया आखिर इस सुरमे में है क्या क्या, तो वो टेस्ट मैंने कर लिया, अब मुझे पता चल गया कि सुरमे में क्या क्या मिलाकर इस सुरमा को बनाया गया है, अब मैं ऐसा ही सुरमा बनाऊंगा और कोई भी राज्य में अंधा नहीं रहेगा। चाहता मेरी और आपकी, आप और मैं होते उसकी जगह तो हम और दोनों पहले अपने नेत्र ठीक करो भैया, बाद में देखेंगे क्या करना है। यह है परोपकार, अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने धन से, जिससे भी हो सके परोपकार कीजिए। जब आप परोपकार करते हैं परमात्मा आप पर प्रसन्न होता है। बोलो राधे राधे।